फूड फॉर थॉट, जो कि बहुत एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पे, किचन ऑफ द किंग्स का खाना, वेजिटेरियन थालीज फ्रॉम रॉयल फैमिलीज खिलाने आए हैं, तो वो बहुत अच्छा है और वेजिटेरियन फूड है। तो आप लोग सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं कि रॉयल्स तो सिर्फ मटन खाते हैं, बट इतना बढ़िया यहाँ पे वेजिटेरियन फूड बनाया है कि सब बहुत खुश हैं। चटनीज और ऑथेंटिक, वो लेडीज़ रॉयल फैमिलीज़ की खुद आके कुक कर रही हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। बट साथ में वेलनेस वाला बहुत अच्छा खाना है, तो वो भी बहुत अच्छा है। इट्स द सेकेंड टाइम दैट आई एम अटेंडिंग फूड फॉर थॉट फेस्ट, फर्स्ट टाइम बीइंग इन अहमदाबाद व्हिच आई एब्सोल्युटली लव, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। एंड फूड फॉर थॉट फेस्ट, इट्स सॉर्ट ऑफ growing larger and stronger every single year. It's an amazing event where everybody comes together to celebrate food and to celebrate connection and to celebrate, you know, eating for pleasure and different cultures. And so yeah, it's an amazing venue. I would suggest everyone to try and attend if they can. हमारो जे बालासिनोरनो जे रजवाड़ी खा जमवानु जे छे जे शाही खाना जो है ए स्पेशली होम स्टाइल मुगलाई क्विजीन छे, बधु वेजिटेरियन छे। जे अमे अहींया जो अहमदाबाद फूड फेस्ट अहींया रिवर फ्रंट में जे योजाय छे एएमसी ना हस्ते, साग अने किचन्स ऑफ द किंग्स ना हस्ते, ए अहमदाबादना लोको माटे ने गुजरातना लोको माटे एक एक्सपीरियंस छे कि एमने अहींया अहमदाबादमां शाही जमवानुं मळे एनी एक व्यवस्था अहींया गोठवामां आवी छे। अमे स्पेसिफिकली अमारा जे अमुक जे रेसिपी छे जे 100 साल जूनी छे एवी रेसिपीओ भी अमे अहींया लोकोने पेश करवाना छे। अमारो फूड बालासिनोर क्विजीन जे छे ए फ्लेवर्समां ओळखाय छे। आप बीजी जग्या जमवानुं जाओ तो स्पाइसी होय, ऑयली होय, नॉर्मल पंजाबी स्टाइल खावानुं होय के गुजराती स्टाइल खावानुं होय, पण अमारो जे खावानुं छे भले गुजराती के मुगलाई छे पण एमां फ्लेवर्स होय छे के एकदम सरल पण अलग, थोड़ा हटके जमवानु जे छे। जो हमारा खाना है वो आपको आपके मतलब आप खा लोगे तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वो आपको हैवी नहीं लगेगा। जनरली बोलते हैं कि भाई नवाबी क्विजीन है, मुगलाई क्विजीन है तो बहुत हैवी हो जाता है, बट आप खा लोगे तो 2-3 घंटे बाद आप आराम से नेक्स्ट फूड के लिए खा सकते हैं, मतलब हैवी नहीं होता वो स्टमक पे, बिकॉज हमारे बहुत मसाले हैवी नहीं पड़ते उसमें, बहुत लाइट फ्लेवर्स होते हैं बट फ्रेश होते हैं। और हमारा जो बालासनरी क्विजीन है वो 4-5 हमारे दूसरे घरानों को मिला के क्विजीन बनाया हुआ है। तो जैसे मेरे मदर इन लॉ पालनपुर से हैं तो उनका भी है उसमें, उनके मदर का जो बाटवा से थे उनका है, हमारी फैमिली जो बाबी फैमिली है वो राधनपुर है, जूनागढ़ है, बालासनोर है, तो ये 3 फैमिलीज़ का क्विजीन भी आ रहा है इसमें। मेरे साइड से मैं जहाँ से हूँ वहाँ से भी आ रहा है, सावनूर से। आई थिंक सबसे अच्छी बात ये कि ये एक ऐसे शहर में हो रहा है अहमदाबाद, एक बहुत बड़ा फूडी शहर है और कुछ सालों में अहमदाबाद जो है बहुत फूड के मामले में हिंदुस्तान तो ग्रो हुआ ही, लेकिन ये शहर भी बहुत ग्रो हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे खुद आने के बाद पता चली, काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ मैं गुजरात के साथ, बहुत सारा यहाँ का जो खाना है वो लोगों का फेवरेट ही नहीं है बट लोग घर में बनाते हैं, खाते हैं, पूरा दिन एक मेले की तरह वो चलता रहता है। तो आई थिंक उस मेले को यहाँ इस बड़े स्केल पर लाना, स्पेशली ऑन द रिवर फ्रंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन अहमदाबाद, आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ और गुजरात के और खासकर अहमदाबाद के लोगों को ये पता चला कि इस तरह भी खाने को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज द नाइसेस्ट पार्ट फॉर फूड फॉर थॉट फेस्ट, जिसमें एक्चुअली बहुत सारा थॉट गया और फेस्ट तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह लोग इसको इन्जॉय कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात मैंने देखी कि उस पवेलियन के किचन में जो जो विद्रिंस हैं वहाँ, उनकी जो वाइफ हैं वो खुद खाना बना रही थी, खुद खड़े होकर, विच इज़ अ बिग थिंग यू नो, एंड बहुत पैशन से बना रही थी, बहुत अच्छे से हमने काफ़ी कॉन्वर्जेशन करी खाने के बारे में। तो जो रॉयल्टी खाना है, इट वॉज इट्स एक्चुअली ब्रॉट अ लॉट ऑफ रॉयल्टी फॉर द मासेस, है ना, जो कॉमन आदमी है उसको नहीं पता होता है कि वो क्या खाते हैं, उनको लगता है पता नहीं सोने चांदी खाते हैं वो या हीरे जवाहरात, एकदम कॉमन अच्छा खाना, शफा से, मेहनत से, प्यार से बना हुआ खाना खाते हैं, ये लोगों को पता चला। आई थिंक मैं अहमदाबाद को एक तो मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो फूड फॉर थॉट फेस्ट है बहुत गजब का है, इसमें आप एक जगह आकर के इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये नो कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग खाने के बारे में बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अब पेवेलियंस हैं, तो जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर यहाँ पर आया, वहाँ के शेफ्स आए, उन्होंने खाना बनाया, रॉयल्टी आई, एक पेवेलियन वेलनेस पे था जिसमें पूरा आयुर्वेदिक था, वो पूरा मैंने करा तो उसमें काफ़ी रिसर्च लगी। मैंने एक ऐसा पेवेलियन बनाया जहाँ बॉडी टाइप, वात, पित्त, कफ जो है तीनों के हिसाब से हमने एक 7 कोर्स मेन्यू बनाया,
और एक डिगर स्टेशन जैसे एक बड़े बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में जाता है उस तरह से उसको सर्व किया। तो यू नो बहुत इंटरेस्टिंग था और आई थिंक लोगों को बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, दुकानें हैं, हर तरफ खाना ही खाना है, खाने के बारे में बातें हैं, खाने के बारे में ज्ञान है। तो सारी चीज़ें अगर आप एक जगह एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अहमदाबाद में, नथिंग लाइक फूड फॉर थॉट फेस्ट। और उम्मीद करूँगा हर साल हो, साल में दो बार हो। फूड फॉर थॉट फेस्टिवल में साबरमती रिवर फ्रंट पे आके मुझे लगा कि मैं गांधी जी के ड्रीम्स, गांधी जी की जिंदगी की जो कहानी है उसके साथ जुड़ा हूँ। इट्स वेरी पीसफुल है, शांत है सब कुछ। जो रिवर है ये साबरमती रिवर, मज़ा आ गया कल रात को क्रूज़ में बैठ के। वहाँ की आवाज़, हवा, ब्रीज बहुत बढ़िया थी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक वेजिटेरियन फेस्टिवल जहाँ पे हर चीज़ शाकाहारी है, दिस इज़ मैजिकल। दुनिया में बहुत कम जगह ऐसा मज़ा मिलता है। आई एम एक्साइटेड टू बी हियर टू बी गिविंग अ मास्टर क्लास इन अ बीरबल की खिचड़ी जो महाराजा अकबर ने बीरबल से बनवाई। उसमें सब्जियाँ भरी हुई हैं, दाल, चावल और हिंदुस्तानी जो मसाले हैं उनकी खूबी है। That's what I'm making tonight, today at the demonstration, at the Legends class at Sabarmati Festival for Food for Thought. जो रॉयल फूड पवेलियन है किचन ऑफ द किंग्स, वहाँ पर जाके मुझे इंडिया को शाइन करता हुआ मैंने देखा। स्वादिष्ट खाना, खूब हिस्ट्री में, कल्चर में लदा हुआ है। वो खाना अगर हम लोग पहचान लेंगे हिंदुस्तान, भारत हेल्दी भी बनेगा, प्राउड भी होगा और हम लोग आगे भी बढ़ पाएंगे। कोल्हापुर का खाना बहुत पुराना है। इट्स लाइक बिकॉज कोल्हापुर को हिस्ट्री है बहुत सालों की, उसकी वजह से हमारा जो खाना है वो बहुत रीजनल है। एंड बिकॉज मराठा डोमिनेटेड था, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फूड, एक जो रॉयल फैमिलीज़ में और नोबल फैमिलीज़ में बनता है और हमारे फार्मर्स का, तो हम वो दोनों का ब्लेंड करते हैं आज के तारीख में। हमको बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके खाना बनाने का और अहमदाबाद में वेजिटेरियन खाना सर्व करने का लोगों को, एंड बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है सब। सो इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। और आज मैं आई हूँ फूड फेस्ट 2024 में। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जितना एक्सपेक्ट भी नहीं करा था उतना यहाँ आके। हमने एक पैनल डिस्कशन किया, दैट वाज सो इनसाइटफुल दैट आई आल्सो एंडेड अप लर्निंग सो मच फ्रॉम इट। यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग पवेलियंस हैं, रॉयल पवेलियन है, वेलनेस पवेलियन है, कॉफ़ी पवेलियन है। पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ खाना नहीं है, यहाँ पे वेलनेस एंड न्यूट्रिशन ओरिएंटेड चीज़ें इतनी हैं दैट किसी भी टाइप के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और एक अच्छे हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए द टाइप ऑफ फूड, द टाइप ऑफ नॉलेज दैट यू नीड, एवरीथिंग इज़ हियर। And I'm so impressed by the founders and everybody who's helped to put it all together because it is beautiful. और मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ यहाँ आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए dishes तो तीनों pavilions के experience बिल्कुल अलग हैं। जैसे मैंने आपसे बताया ये India में पहली बार हो रहा है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि लोग और limited capacity है, जैसे कि Royal Pavilion की capacity सिर्फ 120 लोग हैं lunch, 120 लोग हैं dinner। वेलनेस पवेलियन की कैपेसिटी सिर्फ 90 लोग है फॉर लंच, 90 लोग फॉर डिनर। और स्पिरिचुअल पवेलियन की कैपेसिटी सिर्फ 240 लोग फॉर लंच और 240 लोग फॉर डिनर। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मौके को हाथ से ना गंवाएं, फटाफट यहाँ पे आएं या बुक माई शो पे जाएं, अपने पवेलियन की टिकट्स को बुक करें। मैं आज फूड फॉर थॉट फेस्टिवल पे हूँ एंड आई मस्ट टेल यू कि आज यहाँ पर आके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अहमदाबाद को चांस मिला और अहमदाबाद ऑलरेडी इतना फॉरवर्ड है कि यहाँ के डिफरेंट पवेलियंस आपको ट्राई करने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल दिस अ रॉयल पवेलियन जहाँ पर आपके रॉयल घरानों का जो खाना है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, विच इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज आई हैव नेवर कम अक्रॉस। यूजली यू नो एज अ नॉर्थ इंडियन यू वॉन्ट टू गो टू डिफरेंट पैलेसेस टू ट्राई डिफरेंट फूड्स, बट हियर यू गेटिंग द पैलेस फूड and then there is a spiritual wellness hall where you get ayurvedic food, sattvic food. I mean kya opportunity hai for Ahmedabadis, ye to bahut badi opportunity hai. I would highly recommend sabko aana chahiye yahan par aur pura din apne family ke sath bitana chahiye. Aur jo teesra jo pavilion mere ko sabse zyada acha laga hai is the mandir bhog jahan par aapka bhubaneswar ke टेम्पल्स का खाना है, उसके लिए मैं अभी जाने वाला हूँ, तभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
But just the fact that the government of Gujarat is involved in this endeavor, it's so nice to see that the government and like-minded creators are coming together to put something for the society that we live in. This is truly a remarkable moment for us, I think, as a country and as a community, that we're able to work together so seamlessly that everyone today, whoever's here, is enjoying their food, is enjoying the experience, and the creators from all over the world, in fact, are here making food. So many kudos to Manish and Sonali Behti. This is a great job well done, and I wish all the Ahmedabadis a happy, soulful Saturday and Sunday. Please come and enjoy yourself.